I think as far as my position goes, I hope that mes defense jo hai ye movie dekhe, they'll say, oh, Sunny's growing. Aise mujhe ye decent actress ye mujhe chahiye in that zone. But also as Jay was saying, is movie mein 9 gaane that everybody's been listening to. Hamare paas sirf ek hi gana reh gaya that everybody will get to see, which is Jay's song. And I think if nothing more, agar story acha laga acha nahi laga wo viewers aap decide karenge. Hum to both bias hai, but I think when they watch it, when they watch the songs, ye itna bada canvas, itna acha location Rajasthan mein shoot kiya. M.A. Khan made sure it's sub frame. It's not that they'll enjoy. Thank you very much. Thank you. जैसे मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता दूँ फिर शायद आपको समझ में आएगा. ये मेरे कैरेक्टर का नाम करण है जो एक म्यूजिशियन कम सिंगर है इस फिल्म में. हैप्पी गो लकी गाय गेट्स इनटू अ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम उसके प्रेजेंट की वजह से नहीं उसके पास्ट की वजह से है जो उसे कुछ आइडिया भी नहीं है एंड उसे हमेशा ये ड्रीम्स आते हैं दैट अबाउट दिस गर्ल कॉल्ड लीला और भैरव श्रवण ये करके कैरेक्टर्स हैं जो मैं हमेशा उनके सपने में आते रहते हैं उन्हें हॉन्ट करते रहते हैं. तो वो जानना चाहता है कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है ये किस लिए हो रहा है कारण क्या है इसका और यही यहीं से कहानी शुरू होती है. एंड एक कहानी मुंबई से शुरू होती है एक कहानी लंदन से शुरू होती है एंड मुंबई वाली कहानी मेरी है लंदन वाली कहानी सनी की है एंड वी बोथ मीट इन राजस्थान एंड द स्टोरी एंड्स इन राजस्थान. सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज दिस. सी मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी करीबन 12 साल पहले तो उस वक्त मुझे कभी आइडिया था नहीं कि अलग सनी मेरे फिल्म में होंगी कि उस समय सनी इंडिया में हिंदुस्तान में थी नहीं. बट बड़े मौके की बात है चलो सही टाइम है कि 2015 में हम लोग फिल्म बना रहे हैं और सनी को कास्ट किया गया है तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर सनी के लिए. आई मीन अनलाइक शी इज़ वेरी अमेरिकन वेरी कनेडियन तो सनी को एक हिंदुस्तान की लड़की के मोल्ड में लाना जो राजस्थानी जो लुक है बॉडी लैंग्वेज है तो सनी बिकॉज अमेरिकन काफ़ी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है पीपल फ्रॉम द वेस्ट और हमें जो हिंदुस्तान लड़की होती हैं उनका तो मतलब बोलते हैं ना चाल चलन नॉर्मली वैसी है ब्यूटीफुल सेक्सी कर्वी बॉडी तो सनी वैसी हैं तो उसको काफ़ी इम्प्रोवाइज करना पड़ा था बॉडी लैंग्वेज में कि कैसे उढ़ाला जाए उस कैरेक्टर के लिए जो लीला का कैरेक्टर है. और डायलॉग्स बहुत 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 मुश्किल थे उसके लिए क्योंकि अभी बोलते हैं सनी कहती थी मैंने तो अभी हिंदी सीखी है अभी ये भी सीखना रहती पड़ोगी तो राजस्थानी लैंग्वेज सीखनी पड़ी. मतलब जो लाइन्स है नुआंसेंस थे जो मीनिंग्स थे तो वो काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ी थी.